ईश्वरस्वरूपं जगदीशरूपं धर्मैकरूपं यतिवर्गरूपं वेदार्थसारं प्रेतापहारं श्रीमस्तनाथं सततं नमामि। विवेकानंद जी का नाम जहां भी सुना जाता है अनायास ही सभी के हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न स्वाभाविक रूप से हो जाता है, लेकिन उसके पीछे जो त्याग और तपस्या, जो शर्म और जो मेहनत, उससे शायद बहुत लोग परिचित नहीं है। इस तरीके से कलकत्ता से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर तारकेश्वर महादेव का मंदिर है, ऐसी मान्यता है इस इलाके में कि इन महिलाओं को संतान नहीं होती, वहाँ जा कर के मान्यता बोली जाती है तो वहाँ संतान की प्राप्ति उनको होती है। विवेकानंद के माता पिता भी गए थे वहाँ, लेकिन साधारण संतान के लिए नहीं गए थे। वहाँ भगवान शंकर के समीप बड़े आर्त भाव से वहाँ पुकार की गई थी कि हमको जिस तरह से भगवान शंकर आपने विश्व के कल्याण के लिए हलाहल अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ कहलाए, इसी तरह का इस भारतवर्ष की दुख पीड़ा, इसकी गरीबी, इसका अज्ञान, इसका अहंकार, उस सब को दूर करने वाला ऐसा एक संतान की प्राप्ति हो और आगे चल करके भगवान तारकेश्वर जी का वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ। उनके यहाँ नन्हे बालक नरेंद्र का जन्म हुआ और जन्म के बाद ही विलक्षण बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा का धनी वो बालक, जिसके मन में सदा जिज्ञासा कुछ नया करने और नया जानने की रहती थी। उनके पिता अच्छे वकील थे, घर में अच्छी इनकम भी थी उस समय के हिसाब से, और हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लगभग ये ऐसी परंपरा उत्तर भारत में तो सभी जगह लगभग के करीब करीब पराए सभी घरों में हुक्का गुड़गुड़ाया जाता था। वो वकील भले ही थे लेकिन उनके यहाँ भी ऐसी, और वो उस घर में हुक्के भी कई तरह के रखते थे कि ये फलां जाति के लिए, ये फलां उसके लिए, ये फलां उसके लिए, और जैसा बाल मन होता है कि छुप करके उन्होंने उन सब हुक्कों में एक एक कस लगाया कि देखें हो सकता है इनमें शायद अलग अलग स्वाद हो या इसकी अनुभूति की जाए। तब उनकी माँ ने उनको देख लिया और उनको बड़ी डांट पड़ी। उनके पिता को भी मालूम हुआ तो उन्होंने अपने पिता को कहा कि मैं तो सिर्फ इनका स्वाद जानने के लिए, लेकिन इनमें तो सब एक जैसा ही है, आप एक ही हुक्का घर में क्यों नहीं रख लेते। और यही बाल जिज्ञासा आगे चल करके जो वेदांत में कहा है कि भाई जन्म जायते शूद्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, यानी इतना बड़ा सूत्र इतनी छोटी सी घटना से उनके जीवन में निकला और उनके अंदर एक छटपटाहट थी भारतीयता के प्रति, अपने पौराणिक सांस्कृतिक, और जैसा अभी जितेंद्र जी ने कहा कि भारत के पिछड़ने के और भारत की दुर्दशा के कारणों को जानने की उनमें बड़ी इच्छा थी, और वो कहा करते थे अकर्मण्यता और अज्ञान, और अज्ञान शिक्षा से दूर होता है, इसलिए वो शिक्षा पे इतना बल देते थे।
और उस शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा, और इसी भटकन में वो तड़प में जगह जगह घूमे, अनेकों संतों के चरणों में गए, जहां जिससे भी सुना के वहां कुछ ना कुछ मिलेगा, और बिल्कुल वो उबल गए अंदर से, जिज्ञासा इतनी प्रबल जो है। और उसी में एक दिन रात के 12 बजे वो रविंद्रनाथ टैगोर के दादा देवेंद्र, जिनकी उन दिनों ऋषि के रूप में बड़ी ख्याति थी, वो गंगा के बीच में एक मचान बना करके रहते थे, और रात 12 बजे स्वामी विवेकानंद जी गंगा में छलांग लगा करके और उस बजरे पर पहुंचते हैं। देवेंद्र नाथ भी घबरा जाते हैं कि कौन इतनी रात गए हैं, वो ध्यान में बैठे हुए थे, उनका ध्यान भंग होता है, और उन्होंने देखा कि एक नवयुवक बड़े तैश में आकर के खड़ा हुआ है। उन्होंने घबराते हुए पूछा कि तुम इतनी गए रात क्यों आए हो? कि मैं अपने अंदर बैठे हुए उस ब्रह्म को जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वेदांत पढ़ने से ज्ञात हुआ है कि व्यक्ति जो है वो आत्मसत्ता उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती है तो वो बड़ा महान बन जाता है और बड़े बड़े महान कार्य कर सकता है, वो कुछ सुख चाहे। कहने वाले ही थे, जवाब देने ही वाली थे, तो तुरंत वापिस उस बजरे से गंगा नदी में कूद गए। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है शायद कोई पागल ही होगा जो बगैर पूछे जा रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा करके कहा कि नवयुवक कुछ पूछने आए थे, पूछा नहीं, कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं पूछना, आपकी झिझक ने सब कुछ कह दिया कि आप कुछ नहीं जानते। और इस तरह से तड़पते हुए वो एक दिन किसी ने परमहंस का विवरण उनके सामने किया, तब जो है उन्होंने कहा कि मैं भी एक दिन चलूंगा उनके पास, मुझे लेकर के चलो। और वो जब परमहंस जी के पास पहली दफा गए, उनका पहला ही प्रश्न ये था, क्योंकि परमहंस जी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ आदमी के पास मुझे क्या मिलेगा। वहां जाकर के कहते हैं कि आपने ईश्वर को देखा, ईश्वर है, आपने जाना है। परमहंस जी ने उल्टा कहा कि तू देखना चाहता है क्या, तू जानना चाहता है क्या, दिखाऊं और अभी दिखाऊं इसी वक्त, ऐसा सोच के वो गए नहीं थे, लेकिन हिम्मतवर थे कि हाँ अभी देखना चाहता हूँ, कि तो उठो चलो। तो गंगा में ले गए और गंगा किनारे ले जा करके कि सब वस्त्र उतारो, गंगा के बीच में ले जा करके कहने लगे कि डुबकी लगाओ। और जैसे ही विवेकानंद ने डुबकी लगाई, उन्होंने बड़े जोर से उसको गंगा के अंदर ही दबा दिया और निकलने नहीं दिया। उनका दम निकलने को हुआ, जब बड़ी छटपटाहट के साथ एकदम से निकले, कि वास्तव में ये आदमी तो पागल है, सुनते थे कि वो पागलों जैसी बात करते हैं, उनका व्यवहार तो वास्तव में ही पागलों जैसा है। तब विवेकानंद जी कहने लगे कि आप तो मुझे ईश्वर का दर्शन कराने आए थे, आप तो मुझे मारने चले। कहने लगे कि जिस दिन तुमको इतनी तड़प तुम्हारे अंदर हो जाएगी जितनी आज अपनी जान बचाने की थी, उसी क्षण तुमको ईश्वर का साक्षात्कार मैं करा दूं। तो फिर ले गए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में, और ले जा करके जैसा पकड़ों का और संतों का स्वभाव होता है, उसको ले जा करके बड़े प्यार से और बड़े स्नेह से कुछ फल और मिष्ठान खिलाया, और कुछ ऐसा विवेकानंद के ऊपर जादू हुआ कि उलझते चले गए धीरे धीरे। और एक दिन, क्योंकि उनका शिक्षा देने का अपना निराला ढंग था, और एक दिन बालक नरेंद्र जब बैठे
तब उन्होंने अपना पैर का अंगूठा उनकी छाती से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही शक्तिपात के द्वारा उनकी कुंडलनी शक्ति को जगाया, और जब मूलाधार से वो कुंडलनी शक्ति, वो चित्त शक्ति जब जागृत हुई, बड़ा विस्फोट हुआ और पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ उनको दिखाई दिया। उस वक्त उनकी स्थिति ऐसी जैसे तुम कि मुझे जैसा चक्कर आ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने उस प्रकरण को लिखा अपने शब्दों में कि मेरे लिए ये संसार प्राय समाप्त होता चला गया, और जिस तरह से समुद्र में भंवर उठती है उस तरह से मैं घूमता चला गया और मुझे अपने अस्तित्व का भान नहीं रहा। और ऐसी स्थिति पता नहीं कितनी देर रही। उसके बाद मैं देखता हूँ कि स्वामी परमहंस जी का हाथ मेरे सिर पर है और वो एक व्यंग भरी दृष्टि से मुस्कुरा रहे थे, और मेरा हृदय उस मुस्कान के साथ ही तृप्त हुआ। और फिर ऐसा उनको एक स्वाद लग गया वहाँ कि कहीं भी कुछ भी हो उसके साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही। पिता का देहांत भी हुआ, घर की स्थिति भी बिगड़ी, और ऐसी स्थिति भी आई कि दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ा घर चलाने के लिए। और एक दिन विवेकानंद जी बड़े आर्थ स्वर में जो है परमहंस जी के पास गए कि मैं घर हमारा बड़ा भूख की हमको दिक्कत है, परिवार नहीं चल सकता, खाने की बड़ी दिक्कत है, हमारे जितने परिचित थे सब मुंह मोड़ गए। परमहंस जी ने कहा कि जाकर के काली माँ से मांग लो, आज जाओ रात को और मांग लो। और जिस वक्त जाते हैं और काली माँ के सामने गए तो थे घर की गरीबी मिटाने, लेकिन वहां जाकर के कहते हैं माँ मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे शक्ति दो, और इतनी शक्ति दो कि मैं इसे भारतवर्ष के गरीबों का दुख दूर कर सकूं। और ऐसा बोल करके परमहंस जी के पास आए। परमहंस जी ने कहा कि मांग लिया कि नहीं, मैं तो वहां जाकर के भूल गया, मैंने तो ये इसी तरह से मेरे मुख से निकला, मुझे भान ही नहीं रहा, तो दोबारा जाकर के मांग। दोबारा गए तो दोबारा भी इसी तरह से फिर कहा कि मेरे मुझे तो वहां जाते ही पता नहीं आप क्या जादू करते हो, वही निकलता है, कि तो जाओ एक बार फिर। तीसरी दफा भी जब जाते हैं तो यही रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि आज के बाद आपको सम्मान का रोटी कपड़ा और मकान आपके परिवार का चलता रहेगा, जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आपका उद्भव हुआ है, उस कार्य में लगो। और विवेकानंद को वो अंतर में उतारते हुए अपनी शक्तियां धीरे धीरे उस बालक नरेंद्र में जागृत करते हुए उसको समर्थ बनाने में लगे। और एक दिन बड़े गहरे ध्यान में वो डूबे हुए थे, परमहंस जी का एक शिष्य और था जिसका नाम कालू था, वो सगुण और साकार में बड़ा वेदांत वगैरह उसकी समझ में नहीं आता था, तो सगुण साकार उपासना पत्ती से अपनी उपासना करता था। बाजार में जब भी जाता कि भगवान राम की मूर्ति मिल गई तो वो कमरे में रखती, भगवान कृष्ण की मिली वो रखती, माँ दुर्गा की रखती वो, इस तरह से करते करते उनका कमरा जो है मूर्तियों से भर गया और वो कालू जो है बरामदे में सोने लगा। विवेकानंद जी कई बार उनको मजाक में और उपेक्षा की दृष्टि के भाव रखते हुए कहते कि इन सब भगवानों को उठा करके और गंगा में फेंक दो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। और एक दिन ध्यान में गहन ध्यान में बैठे हुए थे और उस वक्त शक्ति का जागरण हुआ तो मन में ऐसा ख्याल आया कि अगर इस क्षण में कालू को अगर ये कह दूं कि इन भगवानों की मूर्तियों को जो है
उठा करके गंगा जी में फेंकते तो इस क्षण वो फेंक सकता है। और तुरंत रामकृष्ण दौड़े हुए विवेकानंद के पास गए कि नहीं नहीं, आज के बाद ये शक्ति तुम्हारे अंदर जागृत नहीं होगी, शक्ति को मैं यहीं रोकता हूँ, इस चाबी को मैं आज लॉक कर देता हूँ, तुम्हारा ताला चाबी मेरे पास है। ये तो शक्ति का दुरुपयोग है, उसकी अपनी आस्था है, अपनी भावना है, अपना कर्म है। विवेकानंद लाख गिड़गिड़ाए लेकिन परमहंस जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझे ये शक्ति कब लौटाओ, कि तुम्हारे मरने के 3 दिन पहले तुमको ये शक्ति वापिस मिल जाए। और तुम्हारा जन्म, तुम्हारा आना इस पृथ्वी पर किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के हुआ है। उन्हीं दिनों बंगाल में परमहंस राम कृष्ण जी की ही ख्याति के वो काली के उपासक थे, और मामा के पास वो जो है माँ तारा के उपासक थे। दोनों समकक्ष हुए और दोनों को ही, उनको माँ तारा साक्षात थी, परमहंस जी को माँ काली साक्षात थी। लेकिन मामा केपा का नाम बहुत कम लोग जानते हैं बंगाल से बाहर, क्योंकि उनको इस योग्यता का कोई शिष्य नहीं मिला जैसा शिष्य स्वामी रामकृष्ण जी को मिला। तो तब उन्होंने कहा कि तुमको जो है इस देश का अज्ञान, इसकी अकर्मण्यता, और वो अकर्मण्यता आज भी हम लोग देखते हैं कि सरकारों द्वारा उसको बढ़ावा दिया जाता है, कि हम वोट के चक्कर में पढ़ करके और लालच देते हैं लोगों को कि 2 रुपए किलो गेहूं है, तुम कुछ मत करो, मिलेगा खाने को 1 महीना, तुमको साड़ियां फ्री मिल रही है, नरेगा के नाम पे फ्री की लूट है। यानी एक ऐसी आदत, हमारे यहाँ सबसे महान ग्रंथ है भगवान श्री कृष्ण का गीता, सृष्टि कर्म प्रधान है। और गीता में वैसे तो 18 हर अध्याय में एक योग की चर्चा की गई है, लेकिन प्रमुख रूप से कर्म की चर्चा की गई है, तो कर्म पर जोर दिया गया है। क्यों? हम लोग अकर्मण्य रहे होंगे उस वक्त, भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा आवश्यकता उस वक्त कर्म योग की ही पड़ी होगी, तभी उस योग का इतना वर्णन है। आध्यात्मिक शक्तियों में भी आपको दूसरी तरह का कर्म करना पड़ता है, लेकिन बड़ा महान कर्म करना पड़ता है। वही विवेकानंद, एक कहानी अक्सर पराय कहा करते थे, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर जितेंद्र जी ने की थी, कि अज्ञान और अशिक्षा जो है, हम लोग जो वेदांत का जो ज्ञान नहीं है, भारतीयता का जो हमको जानकारी नहीं है, कहा करते थे कि एक सिंघनी जो है प्रसव के बिल्कुल नजदीक थी, और कोई भेड़ चराने वाला भेड़ लेकर के आया, और उनको देख करके सिंघनी ने छलांग एक छोटे नाले पे लगाई, तो सिंघनी प्रसव के क्योंकि नजदीक थी तो बच्चे को जन्म दिया और वो भाग गई। और उस बच्चे को लेकर के उन भेड़ों के बीच में उसका रहना हुआ, वो गडरिया साथ लेकर के आया, पालन पोषण उसी में हुआ। वो सिंह का बच्चा भी अपने आप को भेड़ समझता था, और उन्हीं की तरह से मिम्याने लगता, वैसा ही उसका आचरण, वैसा ही उसका रहना, वैसा ही उसका जीवन। और एक दिन जंगल से बूढ़ा शेर आया, और उसने जब भेड़ों के झुंड पर आक्रमण किया तो भेड़े भाग गई, और उन भेड़ों में उसने देखा कि सिंह का बच्चा जो बहुत लंबा तगड़ा, और इसको क्या हो गया, ये भी भेड़ों की तरह से घूम दबा करके भाग रहा, तो उसको जा करके दबोचा और पकड़ करके ला करके नदी के किनारे
और बड़े जोर से दहाड़ लगाई और उस दहाड़ के साथ ही पूरी जब सिंह गर्जना हुई पूरा जंगल कांप उठा और सिंह के पढ़े हुए बच्चे को जो है झिझोड़ा गया कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो, गर्जन करो, अपने स्वरूप को पहचानो। जब उसको झिझोड़ करके जगाया गया तो निम्याने की बजाय सिंह की तरह से दहाड़ा और पूरा जंगल थर्रा गया, उसको अपने स्वरूप का भान हुआ और फिर दोबारा जो है वो जंगल का राजा बन करके वहां रहा। तो इस कहानी को प्राय वो कहा करते थे कि अपने अंतर को, अपने स्वरूप को पहचानो कि आप कौन हैं। मैं एक बात जहां भी जाता हूँ और मेरी ऐसी मान्यता है कि विकास के समस्त द्वार जो है शिक्षा से खुलते हैं। तो मैं एक श्लोक अक्सर सभी जगह बोलता हूँ लगभग, कि नास्ति काम समो व्याधि नास्ति मोह समो ऋतु नास्ति क्रोध समो वही नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। कि काम से बढ़कर के कोई व्याधि नहीं है, मोह से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं है, अग्नि से बढ़कर के कोई जो है ज्वाला नहीं है, जलाने वाली नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। लेकिन ज्ञान के साथ जो अज्ञान को, अहंकार को और अंधकार को मिटाए, और वो ज्ञान मिलता शिक्षा से। इस शिक्षा से नहीं, ये जो आज है ये शिक्षा तो हमको सूचनाएं तो दे सकती है, ये शिक्षाएं तो, शिक्षा तो जो आज हमको मिल रही है ये तो सूचनाओं की जानकारी है और उसका विस्तार को इकट्ठा करना शिक्षा वही है। कि अपने आप को पहचाने, अपने अहंकार को त्यागे, जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं हमारे आसपास, इसीलिए गीता में 16वां अध्याय उसमें दान की महिमा कही गई है कि जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग के अनुरूप हमारे पास आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद हमारे पास जो शेष बचता है उसको कोई भी गरीब है, असहाय है, पीड़ित है, दुखी है, जरूरतमंद है, उसके उपयोग में हम, उसकी सहायता में जो है वो लगाए, वही दान। और दुर्भाग्यवश दान को रुपये पैसा ही दान मान लिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। जिस कार्य के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं ये महादान है, बहुत बड़ा दान है कि हम लोग लोगों को जागृत करें, उनको बताएं, उनको समझाएं और उस कार्य के प्रति उनका लगाव लगाएं, ताकि जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, जैसा कहा था अभी डॉक्टर जितेंद्र जी ने कि कुत्ता भी भूखा ना रहे। हमारे यहाँ तो परंपरा कि गाय की, कुत्ते की, कौए की रोटी पहले निकाली जाती थी हमारे, तब जा करके बच्चों को या घर परिवार में हम लोग देते थे। ऐसे कारणों में हम लोग बढ़ गए कि हम लोग, हमारी जो मूल थाती थी, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता और हमारे धर्म का, सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत थे, हमारे यहाँ आचार्य को बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन अगर वो ज्ञानी है और उसका आचरण ठीक नहीं है तो हम उसको सम्मान नहीं देते। लेकिन अगर उसका आचरण ठीक है और वो ज्ञानी ना भी हो तो भी हम उसको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, उसका पूजा करते हैं। उस आचरण से हम बहुत दूर चले गए और आज इसी वजह से हम सब दुखी हैं। आज का आधुनिक युग है जहाँ सुख सुविधाएं बहुत है, ज्ञान विज्ञान बहुत है, उससे जो है सुख के साधन हमको उपलब्ध हो गए। बटन दबाते ही बिजली मिलती है, पंखा चलता है, एसी चलता है, गाड़ियां हैं, अंतरिक्ष में जाओ, सारी जो है विश्व की जितना भी ज्ञान है वो आप इंटरनेट पर उपलब्ध है। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आज हम तनाव में, आज हम लोग
स्वार्थ में ज्यादा डूबते चले गए। ये देश कभी जिसकी सीमाएं काबुल, कंधार, तिब्बत, नेपाल, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इतना विस्तृत देश जिसको भारत भरतखंड कहते थे, आखिर क्या कारण है कि वो टूटते टूटते सिकुड़ते सिकुड़ते एक खंड दूर हुआ, दूसरा, तीसरा, और आज फिर हम टूटने के कगार पर हैं।